आज बीएससी सेकंड ईयर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है ऑक्साइड्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स। तो इसमें जो पिछले वीडियो में हमने स्कैंडियम से लेकर के मैग्नीज तक पूरा स्टडी किया है, अब इसके बाद आयरन से लेकर के जिंक तक उनके ऑक्साइड्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज स्टूडेंट्स ऑक्साइड्स ऑफ आयरन के बारे में स्टडी करेंगे। ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, तो आयरन के जो ऑक्साइड्स होते हैं स्टूडेंट्स वो कितने टाइप्स के होते हैं? देज आर टू टाइप्स, राइट। तो इनके ऑक्साइड्स में थ्री टाइप्स के ऑक्साइड होते हैं, थ्री टाइप्स। जो फर्स्ट हमारा आयरन के ऑक्साइड्स के फर्स्ट ट्रांजिशन के बारे में बात हो रही है, तो FeO इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है स्टूडेंट्स वो होती है सेकंड, यानी कि टू। FeO आयरन ऑक्साइड्स, अब इनको कैसे प्राप्त करते हैं, कौन कौन से मेथड से इसको हम बनाया जाता है? तो फर्स्ट है स्टूडेंट्स दीज आर FeC2O4 आयरन ऑक्जिलेट। आयरन ऑक्जिलेट को जब हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं, देन आयरन ऑक्जिलेट इसको जब हम हीट करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड FeO प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड एंड Fe2O3 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि फेरिक ऑक्साइड आयरन ऑक्जिलेट FeC2O4 तो किसमें कन्वर्ट हुआ? जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर स्टूडेंट सेकंड होती है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर टू FeO में उस टाइप्स का आयरन सेकंड ऑक्साइड को हम पढ़ा रहे हैं जिसका फार्मूला जो होता है FeO होता है। अब इसको हम किस मेथड से प्राप्त करते हैं? आयरन ऑक्जिलेट लेते हैं, आयरन ऑक्जिलेट को हीट करते हैं, तो FeO प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो मेन हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या है? आयरन ऑक्साइड, जो भी सेकंड ऑक्सीडेशन नंबर वाला। इसके बाद स्टूडेंट्स इसमें सेकंड मेथड से भी प्राप्त कर सकते हैं इसको हम, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड से भी इसको हम प्राप्त कर सकते हैं, और उसको हम किसके साथ रिएक्शन कराएंगे? H2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, प्लस H2। हाइड्रोजन गैस। तो जब इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें फेरिक ऑक्साइड यानी कि 2FeO प्राप्त हो जाएगा प्लस H2O वाटर अलग हो जाएगा, राइट। यानी कि फेरिक ऑक्साइड का सेकंड ऑक्सीडेशन नंबर यहां पे हमें प्राप्त होता है और वाटर सेपरेट हो जाता है। तो दो मेथड से हम फेरिक सेकंड ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं।
इसके बाद स्टूडेंट्स इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है ये किसमें स्टेबल किसमें हो जाता है, लोअर टेम्परेचर पर, और हाई टेम्परेचर पर अनस्टेबल हो जाता है, इसलिए अपघटित लो टेम्परेचर पर रिड्यूस यानी कि डीकम्पोज हो जाता है। हाई टेम्परेचर पर स्टेबल एंड लो टेम्परेचर पर डीकंपोज। तो इसमें देखिए आयरन जो सेकंड ऑक्साइड्स के हैं, यदि इसको हाई टेम्परेचर पर यदि हम हीट कराते हैं तो वो स्टेबल अवस्था में प्राप्त कर लेता है, और यदि लो टेम्परेचर में कराते हैं तो वह अपघटित हो जाता है यानी कि डीकम्पोज हो जाता है। तो दो तरह से यह कार्य करता है, इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है। इसके बाद स्टूडेंट्स आयरन थर्ड ऑक्साइड्स के वर्णन में आएगा। आयरन थर्ड उसका ऑक्सीडेशन देखते हैं और उसके ऑक्साइड्स किस तरह के बिहेवियर करते हैं, आयरन थर्ड और उसका जो फार्मूला होता है Fe2O3। Fe2O3 ये आयरन थर्ड यानी कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 होगा उसका फार्मूला Fe2O3 होता है। क्या होता है? Fe2O3। अब इसमें स्टूडेंट्स ये कैसे बनाते हैं, कौन कौन से मेथड से इसको हम बनाते हैं, तो उस मेथड में इसे हम हेमेटाइट के रूप में भी जानते हैं, इसको हम किस मेथड से जानते हैं, हेमेटाइट दूसरा नाम है, हेमेटाइट एंड लिमोनाइट अयस्कों में पाया जाता है। और इन अयस्कों से हम प्राप्त करते हैं नेचर में, यानी कि Fe2O3 को प्रकृति में यानी नेचर में हम किस मेथड से प्राप्त कर सकते हैं, कौन कौन से नाम से जिसे जानते हैं, हेमेटाइट एंड लिमोनाइट अयस्कों से इसे हम एक्सेप्ट करते हैं यानी कि प्राप्त करते हैं, राइट। अब इससे बनाते कैसे हैं, तो यह फेरस सल्फेट को गर्म करके बनाया जाता है। फेरस सल्फेट क्या स्टूडेंट, फेरस सल्फेट 2FeSO4 इसे हम हीट करते हैं, 2FeSO4 इसे जब हम हीट करते हैं तो किसमें Fe2O3 प्लस SO2 SO2 4 2 8 एंड प्लस SO3 सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड Fe2O3 जो हमारा फेरिक थर्ड ऑक्साइड्स है वह प्राप्त होता है। तो हम फेरस सल्फेट को जब हम हीट करते हैं तब हमें फेरिक थर्ड ऑक्साइड्स प्राप्त होते हैं जिसका फार्मूला Fe2O3 होता है। तो इस मेथड से हम Fe2O3 को प्राप्त कर सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है स्टूडेंट्स, यह लाल रंग का यानी रेड कलर का पाउडर होता है, रेड कलर का पाउडर होता है, लाल रंग का चूर्ण होता है। सेकंड जो होता है यह एम्फोटेरिक नेचर रखता है,
एम्फोटेरिक का मतलब होता है स्टूडेंट्स एल्कलीज और एसिडिक दोनों तरह के जो बिहेवियर दर्शाते हैं रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं एम्फोटेरिक, यानी कि एल्कलीज भी होता है क्षारीय माध्यम में भी होता है और एसिडिक अम्लीय माध्यम दोनों माध्यम में पाया जाता है Fe2O3 राइट। इसके बाद स्टूडेंट्स आयरन के नेक्स्ट ऑक्साइड के बारे में स्टडी करेंगे, आयरन सेकंड तथा थर्ड ऑक्साइड्स, उसके दो ऑक्सीडेशन नंबर हैं आयरन सेकंड एंड आयरन थर्ड ऑक्साइड्स। तो इसके बारे में स्टूडेंट्स जब हम स्टडी करते हैं तो ये पाते हैं कि इसका जो फार्मूला होता है Fe3O4 राइट। तो इसमें दो ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं एक सेकंड एंड एक थर्ड, दो ऑक्सीडेशन नंबर Fe3O4 में पाए जाते हैं। अब इसको हम बनाते कैसे मेथड से हैं, इसे हम आयरन और वाटर इसके साथ जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं 4H2O रेड रक्त तप्त भाप, इस पर हम यानी कि पूरी तरह से रेड हार्ट हो जाता है, इसको हम बोलते हैं हिंदी में रक्त तप्त भाप पर इसको हम हीट कराते हैं, तब हमें क्या प्राप्त होता है Fe3O4 यानी कि सेकंड एंड थर्ड ऑक्सीडेशन जो नंबर है वह कंपाउंड प्राप्त होता है जिसे हम Fe3O4 प्लस 4H2 हाइड्रोजन गैस एटमॉस्फेयर अपवर्ड यानी कि एटमॉस्फेयर में चली जाती है और मेन जो हमारा कंपाउंड बनता है वो क्या है फेरिस ऑक्साइड जिसको हम Fe3O4 बोलते हैं और इसके जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है 2 और 3 दोनों तरह से कार्य करता है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है स्टूडेंट्स, ये भी ब्लैक कलर का पाउडर है, काले रंग का चूर्ण होता है, यह चुंबकीय गुण रखता है स्टूडेंट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, चुंबकीय गुण रखता है एंड थर्ड है यह स्टेबल होता है, और क्लोरीन ऑक्सीजन इनसे क्रिया नहीं करता है, और ये स्टेबल होता है पूर्ण रूपेण कंप्लीटली स्टेबल कंपाउंड होता है Fe3O4। इसके बाद स्टूडेंट्स यूजेज क्या है इसकी, जो इलेक्ट्रोलिसिस मेथड में इसे हम एनोड की भांति यूज करते हैं,
इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, विद्युत अपघटनी विधि में इसे हम एनोड की भांति यूज करते हैं Fe3O4 को। इसके बाद नेक्स्ट कंपाउंड, नेक्स्ट ऑक्साइड आता है स्टूडेंट्स, किसका आएगा? कोबाल्ट। कोबाल्ट के ऑक्साइड, इसके जो ऑक्साइड्स होते हैं ये भी दो तीन टाइप्स के होते हैं, कोबाल्ट सेकंड, कोबाल्ट थर्ड। कोबाल्ट के जो ऑक्साइड्स हैं COO, स्टूडेंट थोड़ा सा यहां पे कंफर्म करते हैं, जब कोबाल्ट और कार्बन मोनोऑक्साइड लिखा जाता है उसमें क्या देखा जाता है कि कैपिटल और स्मॉल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, तो वहां पे स्टूडेंट्स कभी कभी गलतियां ये कर देते हैं कि दोनों में कैपिटल हो जाता है या कि दोनों में लोग स्मॉल कर देते हैं, उसकी मीनिंग ये हो जाती है कि सपोज करिए यदि आपने कोबाल्ट CO, इसे हम क्या कहेंगे? कोबाल्ट। अब इसी को दोनों कैपिटल
अब एल्कलीज नेचर, एल्कलीज प्रकृति, क्षारीय प्रकृति रखता है, इसके बाद स्टूडेंट्स इसमें जब हम रिएक्शन कराते हैं गर्म करने पर ऑक्सीस कोबाल्टोस कोबाल्टिक ऑक्साइड प्राप्त होता है 6CO2 6CO2O3 कोबाल्टी के थर्ड ऑक्साइड से इसे जब रिएक्शन कराते हैं हीटिंग कराते हैं तब क्या प्राप्त होता है हमें 4CO3O4 plus O2 कोबाल्टोसो कोबाल्टिक ऑक्साइड प्राप्त होता है। इस कंपाउंड का नाम है कोबाल्टोसो कोबाल्टिक ऑक्साइड CO3O4 प्लस ऑक्सीजन अलग हो जाती है, यानी कि जब हम इसके साथ कोबाल्ट के थर्ड ऑक्साइड की जब रिएक्शन कराते हैं हीट करते हैं तो कौन सा प्रोडक्ट प्राप्त होता है, कोबाल्टोसो कोबाल्टिक ऑक्साइड, राइट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इसमें आता है निकिल, नेक्स्ट कंपाउंड निकिल के ऑक्साइड्स ऑफ निकिल, ऑक्साइड्स ऑफ निकिल, तो ऑक्साइड्स ऑफ निकिल भी टू टाइप्स के हैं, यानी कि निकिल सेकंड NiO जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर होगी निकिल ऑक्साइड। अब स्टूडेंट इसको बनाते कैसे हैं, मेथड्स क्या है इसकी, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बनाने की विधियां, तो निकिल को हम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बन जाता है स्टूडेंट्स, 2NiO निकिल ऑक्साइड बन गया। निकिल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं ऑन हीटिंग देन गिव्स निकिल ऑक्साइड, तो इस तरह से हम निकिल के ऑक्साइड सेकंड को प्राप्त कर सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, यह ग्रीन कलर का पाउडर होता है, ग्रीन कलर हरे रंग का पाउडर होता है। एंड नेक्स्ट स्टूडेंट्स इसका जो रिडक्शन है हाइड्रोजन या कार्बन मोनोऑक्साइड से हो जाता है, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इसके साथ इसको हम रिडक्शन करा देते हैं। इसके बाद इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है स्टूडेंट्स निकिल ऑक्साइड की, निकिल 4 ऑक्साइड भी है इसमें,
निकिल फोर ऑक्साइड्स। इसको स्टूडेंट्स निकिल फोर ऑक्साइड्स को हम NIT, NIO2, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर 4 होता है निकिल डाइऑक्साइड का, उसकी जो मेथड्स होती है क्या होती है, कैसे बनाते हैं, निकिल हाइड्रोक्साइड पर हम क्लोरीन की रिएक्शन कराते हैं। तो जब क्लोरीन की रिएक्शन कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमें, NiO2 निकिल ऑक्साइड प्लस 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड अलग हो जाते हैं, और जो मेन हमारा प्रोडक्ट प्राप्त होता है निकिल डाइऑक्साइड, जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर 4 होती है। इसकी स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज कैसी होती है, यह ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है, यानी कि काले कलर का पदार्थ होता है, और इसमें से जो रिडक्शन रिएक्शंस होती हैं यह भी बहुत ही अच्छे से होती हैं, हाइड्रोक्लोरीन के साथ क्लोरीन एंड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ O2 देता है। जब HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्लोरीन देगा, जब स्टूडेंट्स NiO2 की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, Cl2, और जब हाइड्रोजन यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन कराते हैं H2SO4 के साथ तब हमें O2 प्राप्त होता है, देन गिव्स O2। तो दो तरह से रिएक्शन करता है केमिकल रिएक्शंस में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्लोरीन प्राप्त होता है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। तो ये हो गई इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज निकिल डाइऑक्साइड्स। इसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट्स कॉपर के ऑक्साइड्स, उसके बारे में स्टडी करेंगे। कॉपर ऑक्साइड्स कॉपर के ऑक्साइड्स इनके दो टाइप्स के ऑक्साइड्स होते हैं, टू टाइप्स। फर्स्ट स्टूडेंट है क्यूप्रस ऑक्साइड CuO2। CuO क्यूप्रस ऑक्साइड इसको बोलते हैं। तो क्यूप्रस ऑक्साइड यह रेड पिगमेंट के भांति इसको यूज किया जाता है, और यह निम्न मेथड से इसको हम प्राप्त कर सकते हैं CuO को, क्यूप्रस ऑक्साइड को। फर्स्ट नंबर है पोटेशियम डाइक्लोरो क्यूप्रेट, या कि क्यूप्रिक ऑक्साइड, इसके द्वारा भी हम प्राप्त करते हैं पोटेशियम डाइक्लोरो क्यूप्रेट। पोटेशियम डाइक्लोरो क्यूप्रेट प्लस कास्टिक पोटास, डाइक्लोरो क्यूप्रेट, इस पर जब रिएक्शन हम कास्टिक पोटास के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, 2KCl पोटेशियम क्लोराइड प्लस CuOH क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड। अब क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड को हम स्टूडेंट्स हीट करते हैं, Q
क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड को, हीट करने पर CU2O प्राप्त होता है प्लस H2O, वाटर अलग हो जाता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम क्यूप्रस ऑक्साइड को प्राप्त करते हैं। क्या है मेथड, एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। पोटेशियम डाइक्लोरो क्यूप्रेट को कास्टिक पोटास के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमें, पोटेशियम क्लोराइड एंड क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड। फिर जो क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड हमें प्राप्त होता है प्रोडक्ट के रूप में, उसे हम अनहीटिंग जब हीट करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, क्यूप्रस ऑक्साइड प्लस वाटर। तो इस तरह से हम क्यूप्रस ऑक्साइड की मेथड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज क्या है, अधिक गर्म करने पर CuO प्राप्त हो जाता है। यदि हम इसको ज्यादा गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CuO ऑन हीटिंग पर। CuO का मतलब है क्यूप्रिक ऑक्साइड, इसको बोलते हैं CuO को। CuO रहेगा तो क्यूप्रस ऑक्साइड रहेगा। इसमें ध्यान रखिएगा, नाम लेने में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, तो जब CuO है तो क्या रहेगा, क्यूप्रस क्यूप्रिक ऑक्साइड, और CuO है तब क्या, CuO है तब क्यूप्रस ऑक्साइड, और इसमें रहेगा क्यूप्रिक ऑक्साइड, दोनों में अंतर है। इसके बाद स्टूडेंट्स कॉपर ऑक्साइड के बाद नेक्स्ट आता है निकिल, निकिल का हो गया है जिंक के ऑक्साइड्स। किसके ऑक्साइड स्टूडेंट्स, जिंक के ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स ऑफ जिंक। जिंक ऑक्साइड्स जिसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 होता है, जिसका फार्मूला होता है ZnO, जिंक ऑक्साइड, ये भी स्टूडेंट्स इनको हम जिंकाइट के अयस्क से प्राप्त करते हैं। जिंकाइट जिंकाइट जो ओर होता है उससे प्राप्त करते हैं जिंक ऑक्साइड ZnO को। डायरेक्ट इसको हम जिंक ऑक्साइड नहीं बनाते हैं, अयस्कों के माध्यम से यानी ओर के माध्यम से इसको हम प्राप्त करते हैं, जिंक ऑक्साइड को एक्सेप्ट करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट इसको बनाने की विधियां, कैसे इसको हम बनाते हैं, तो जिंक को हम ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन कराते हैं जिंक को ऑक्सीजन के साथ, यानी कि व्हेन जिंक रिएक्ट विथ ऑक्सीजन ऑन हीटिंग देन गिव्स जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड 2ZnO जिंक ऑक्साइड प्राप्त हो गया। बहुत इजी मेथड है, जिंक को ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन कराते हैं ऑन हीटिंग जिंक ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। इसके बाद स्टूडेंट जिंक कार्बोनेट से भी हम रिएक्शन कराते हैं, जिंक कार्बोनेट ZnCO3 ऑन हीटिंग इसको भी हम गर्म करते हैं तब भी हमें क्या प्राप्त होता है, ZnO प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है एंड जिंक ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। दो मेथड से हम जिंक ऑक्साइड बना लेते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है स्टूडेंट्स, यह व्हाइट कलर का पाउडर होता है, सफेद रंग का चूर्ण होता है, व्हाइट कलर पाउडर, एंड सेकंड है ये सब लाइम हो जाता है 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। जिसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातित
400 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऊर्ध्वपातित हो जाता है। इनके यूजेज क्या है स्टूडेंट्स? ये व्हाइट पेंट की बात यूज करते हैं इसको हम, सफेद पेंट के रूप में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है रबड़ उद्योग में भी इसका हम यूज करते हैं। इंडस्ट्री, तो स्टूडेंट्स आज हमने आयरन से लेकर के जिंक तक के ऑक्साइड्स